हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुगंधा शर्मा और आज की वीडियो में हम अमेज़ॉन की तरफ से जॉब वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैंने अक्सर कमेंट्स में देखा है कि कोई भी पर्सन जो यूट्यूब वीडियोस देखता है जॉब वैकेंसी पे, उसकी एक कॉमन कंप्लेंट रहती है सभी यूट्यूबर्स से कि हम लोग आपकी वीडियो देखते हैं और अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि अगर एक जॉब वैकेंसी निकलती है, उसको कम से कम 4-5 यूट्यूबर्स कवर कर रहे हैं, 4-5 यूट्यूबर्स उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। हर वीडियो पे अगर 10,000 व्यूज़ भी आ रहे हैं तो 40,000 व्यूज़ आ रहे हैं अगर सिर्फ 4 लोगों ने भी उसके ऊपर वीडियो बनाई। उस 40,000 में से अगर सिर्फ 5-10,000 लोग भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सोच के देखिए, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 50, 60, 100, ज़्यादा से ज़्यादा 500 होती हैं, बट एप्लीकेशन 6,000, 7,000 आ रही हैं, तो ऑब्वियसली सबको रिप्लाई नहीं आएगा। इसलिए मैं अपनी वीडियोस को दिन पे दिन बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें करूँ जिससे आपको रिप्लाई आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ें। जैसे कि मैंने रिसेंटली डिसाइड किया है कि मैं सिर्फ उन्हीं जॉब वैकेंसीज को कवर करूँगी जो अभी फ्रेश निकली हैं और जिनके ऊपर अभी तक किसी और ने वीडियो नहीं बनाई है। जैसे आज हम जिन अमेज़ॉन जॉब वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं, मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ। आप यहाँ राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं कि ये कब पोस्टेड हैं। इसमें डेट लिखी हुई है फेब 29, 2024। आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब 1 मार्च है, यानी ये कल की पोस्टेड जॉब वैकेंसीज हैं। ये अभी कल ही पोस्ट हुई हैं, जिस वजह से अभी चांसेस हैं कि बहुत कम लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई होगी। आप उन फर्स्ट कुछ लोगों में से हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये जॉब के बारे में देख रहे हैं। देखने के बाद तुरंत ही अप्लाई कर दें ताकि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना आए। मैं इसके 2-3 लिंक्स दूंगी अलग अलग। एक लिंक काम नहीं करता, आप सेकंड लिंक ट्राई करें, थर्ड लिंक ट्राई करें। वैसे लिंक्स काम कर जाने चाहिए, क्योंकि कोई भी लिंक पोस्ट करने से पहले मैं एक तो उसको खुद भी टेस्ट करके देखती हूँ, एंड सेकेंड मैं कोई थर्ड पार्टी लिंक्स नहीं देती हूँ, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के ही लिंक देती हूँ। आज तक मैंने जितने वीडियोस बनाए आप चेक करके देख सकते हैं, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के आपको लिंक्स मिलेंगे जहाँ पे जॉब वैकेंसी निकली है। जैसे ये अमेज़ॉन में निकली है तो आपको सिर्फ अमेज़ॉन का ही लिंक मिलेगा, कहीं और का लिंक नहीं मिलेगा। हम वैकेंसी के साथ शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं 3-4 वैकेंसीज पोस्ट करूँगी जो जो अभी रिसेंट में निकली हुई हैं, उन सबको पोस्ट करूंगी, उन सबके लिंक्स पोस्ट करूंगी और सबकी लोकेशन अलग अलग है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एसोसिएट क्या होते हैं। किसी भी चीज़ में जो एसोसिएट होते हैं, वो किसी भी जॉब वैकेंसी में जैसे ही आप घुसते हैं, जैसे ही किसी कंपनी में घुसते हैं, बिगिनर लेवल पे, न्यू लेवल पे, फ्रेशर लेवल पे, तो आप एज एन एसोसिएट घुसते हैं। मैं आज जो जॉब वैकेंसीज कवर कर रही हूँ ये कम्प्लीटली फ्रेशर्स के लिए, तो इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। कोई भी फ्रेशर जो इंडिया के किसी भी स्टेट एंड सिटी से आता है और जिसने अपनी क्वालिफिकेशन किसी भी ईयर में कितने भी परसेंट के साथ किसी भी स्ट्रीम में कम्प्लीट की है, ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बनाती हूँ, तो इसके लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। बट अदरवाइज़ मैं आपको कुछ एडिशनल लिंक्स भी दूंगी, 3-4 लिंक्स दे दूंगी। उनमें से हो सकता है किसी में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा, तो मैं जो 3-4 लिंक्स देने वाली हूँ आप सारे ओपन करके देखें, आपको उनमें से कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपके साथ मैच करेगा। आज हम जिस जॉब वैकेंसी की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, ये है SPS एसोसिएट की जॉब वैकेंसी। SPS का मतलब होता है सेलर सपोर्ट एसोसिएट। इसमें आपको काम क्या करना होगा, जो सेलर्स होते हैं यानी अमेज़ॉन पे जो लोग अपना सामान बेचते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई ब्रांड है जो अमेज़ॉन पे अपने प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है। अब ये जो सेलर्स होते हैं, कई बार इनको भी प्रॉब्लम आती है अमेज़ॉन पे अपना सामान सेल करने में, इनको भी कुछ क्वेरीज आती हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है या कोई बेसिक प्रॉब्लम आती है, तो वो जिस तरीके से कस्टमर को जब प्रॉब्लम आती है कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, उसी तरीके से जब सेलर्स को प्रॉब्लम आती है तब उनके लिए भी एक डेडिकेटेड टीम होती है एसोसिएट्स की, जो उनको असिस्ट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को हेल्प करने में। वही जॉब वैकेंसी ये है सेलर सपोर्ट एसोसिएट की। नाउ देखिए, जैसे कि आप इसे स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सारी SPS एसोसिएट यानी सेलर पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट की जॉब वैकेंसीज हैं, और इनमें सब में अलग अलग लोकेशन दी हैं। आप देख सकते हैं बैंगलोर की लोकेशन है, देन वेस्ट बंगाल की लोकेशन है, उत्तर प्रदेश की लोकेशन है, तमिलनाडु की लोकेशन है, एंड इस तरीके से सो ऑन इसमें लोकेशंस हैं। लेकिन जहाँ जहाँ वर्चुअल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये रिमोट वर्क है, यानी ये वर्क फ्रॉम होम है, और जब तक ये वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तब तक चल रहा है, लेकिन जैसे ही वापस ज्वाइनिंग होगी तो जो इसमें लोकेशन दी है, जैसे आप देख सकते हैं 26 फेब को जो जॉब पोस्ट हुई है वेस्ट बंगाल वाली, इसमें सेलर पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट के लिए वर्चुअल भी लिखा है एंड WB यानी वेस्ट बंगाल भी लिखा है। इसका क्या मतलब है कि फिलहाल ये वर्क फ्रॉम होम रहेगी, लेकिन जब आपको वापस ऑफिस में बुलाया जाएगा देन यू माइट हैव टू ज्वाइन, और उसके लिए जो वर्किंग लोकेशन है वो वेस्ट बंगाल रहेगी। व्हाट इफ़ यू डोंट वांट टू वर्क इन वेस्ट बंगाल? आप फर्दर स्क्रॉल करेंगे देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश वर्चुअल लिखा हुआ है, विच मीन्स अभी ये वर्क फ्रॉम होम रहेगा, जब आपको वापस बुलाया जाएगा काम पे तो आपको उत्तर प्रदेश में ज्वाइन करना होगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। SPS एसोसिएट एंड सेल्स एसोसिएट दोनों के लिंक्स मैं आपको दूंगी, तो आप दोनों में चेक कर सकते हैं ये चीज़। SPS एसोसिएट क्या होता है आप समझ गए, इसकी जॉब लोकेशन क्या होगी आप समझ गए, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। इसके लिए किसी भी एज के लोग, यानी अगर आपकी एज 30-35 भी है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एज जैसा कोई क्राइटेरिया नहीं गिवन है। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें मांगी गई हैं। पहला,
कि आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल पाएँ, लिख पाएँ और पढ़ पाएँ, आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश में। सेकेंड चीज़ इसमें मांगी गई है कि आपका जो स्केड्यूल है, जो आपका वर्क स्केड्यूल है, वो फ्लेक्सिबल रहेगा, विच मीन्स रोटेशनल शिफ्ट में आपको काम करना पड़ सकता है, जिसका मतलब है सैटरडे संडे हॉलीडेज़ पे आपको काम करना पड़ सकता है, अर्ली मॉर्निंग आपको काम करना पड़ सकता है, लेट नाइट काम करना पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको हफ्ते में सातों दिन काम कराएंगे। इसका मतलब ये है अगर आपको सैटरडे संडे काम करना पड़ा है तो आपको वीक में कभी और ऑफ मिल जाएगा। अगर आप लेट नाइट काम कर रहे हैं तो बाकी पूरे दिन आपकी शिफ्ट नहीं लगेगी, अगर आप अर्ली मॉर्निंग काम कर रहे हैं तो फिर आप नाइट में फ्री रहेंगे। तो इस तरीके से रोटेशन में चलेगा, ऐसा नहीं है आपको सुबह शाम दिन रात हफ्ते के सभी दिन काम करना है, लेकिन शिफ्ट्स में काम करना है, जो शिफ्ट चेंज होती रहेंगी। अगर आप इस तरीके से काम करने में कंफर्टेबल हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में इसमें मांगा गया है कि कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकता है जिसने किसी भी ईयर में किसी भी स्ट्रीम में कितने भी परसेंट के साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो। सिर्फ यही चीज़ें इसमें मांगी गई हैं। इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे करना है आप देख सकते हैं, SPS एसोसिएट वाला पेज जैसे ही आपके सामने खुलेगा यहाँ पे एक अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है येलो कलर का, आपको बस इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। आपको सबसे पहले इसके ऊपर रजिस्टर करना है, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं लॉगिन विद गूगल पे क्लिक करके आप सीधा इस पे लॉगिन कर सकते हैं। जब आप उस पे फाइनली क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने किस तरीके का ऑप्शन आएगा जिसमें लिखा होगा अप्लाई इन इंग्लिश, अब आपको इस पे क्लिक करना है। एंड फाइनली आप देख सकते हैं कि इस तरीके की जो एप्लीकेशन है आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना एड्रेस, सिटी, अपनी डिटेल्स फिल करनी है, सबमिट करना है। जब आप सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे तो आपको आगे आपके एजुकेशन डिटेल्स, ये सब एक वन टाइम फॉर्मेलिटी है। जब आप एक बार इसके लिए रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपको बार बार ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ेंगी। इस तरीके से आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जॉब वैकेंसीज़ ख़त्म होती हैं, बट अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं। SPS एसोसिएट, सेल्स एसोसिएट या कोई भी वर्चुअल एसोसिएट, इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ काफ़ी कम निकलती हैं और काफ़ी कम फ्रीक्वेंटली निकलती हैं, जिस वजह से अभी मैं अमेज़ॉन के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। आप देखेंगे मे बी नेक्स्ट जो वीडियो है वो मे बी एक महीने बाद आएगी, क्योंकि इस तरीके की जॉब वैकेंसी जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ बहुत कम होती हैं। अगर आप चाहते हैं आपका कंपटीशन फ़िल्टर हो जाए, या ऑलमोस्ट 60-70% कैंडिडेट्स निकल जाएं जो अप्लाई ही ना कर पाएं जॉब के लिए, तो आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग, अलग अलग नाम से आपको ये चीज़ें दिखती होंगी, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। और जो डेटा साइंस का फील्ड है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। अगर आप अभी एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं और अपना करियर किसी पर्टिकुलर फील्ड में बनाना चाहते हैं, कई लोग आजकल क्या करते हैं, क्योंकि सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पे अच्छी जॉब्स नहीं मिलती हैं तो वो ग्रेजुएशन के बाद आगे की पढ़ाई करते हैं। पहले लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे, आजकल लोग कोई डिप्लोमा करते हैं, कोई शॉर्ट कोर्स करते हैं जिसके साथ उनको एक डिप्लोमा या एक सर्टिफिकेट भी मिले, और उस सर्टिफिकेट या डिप्लोमा के बेसिस पे वो अप्लाई करते हैं। सो डेटा साइंस एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं अब आगे नेक्स्ट 5 मिनट्स में बहुत क्विकली एक बहुत अच्छे डेटा साइंस कोर्स के बारे में बात करने वाली हूँ। तो अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट हैं जो अभी अपने करियर को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, या अभी आप एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट भी हैं, ये जो नेक्स्ट 5 मिनट्स हैं आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो आज जिस डेटा साइंस कोर्स के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, ये है ऑडेन स्कूल की तरफ से, जो डेटा साइंस सीखने के लिए एक 6 मंथ बूट कैंप है, जिसमें 6 मंथ से आपके प्लेसमेंट स्टार्ट होकर अप टू 12 मंथ्स चलते हैं। यानी आपको प्लेसमेंट में जो हेल्प है वो खुद ऑडेन स्कूल ही कराएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इनकी गूगल रेटिंग क्या है, तो हम गूगल रेटिंग देखते हैं। यहाँ पे 4.6 रेट किया है इनको 1300 कैंडिडेट्स ने। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ से कोर्स किया है उनकी प्रोफाइल्स यहाँ पे लिंक्ड हैं, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल्स, आप जाके उनसे डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि उनका खुद का एक्सपीरियंस कैसा था इस कोर्स को लेकर। इस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या क्या रहेगा, आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, आपका सिलेबस क्या होगा, क्या टॉपिक्स कवर होंगे, और क्या अपनी तरफ से फैसिलिटीज़ हैं जो ऑडेन स्कूल प्रोवाइड करता है। देखिए, सबसे पहले इनका मॉड्यूल कैसा रहता है कि यहाँ पे आपकी हर वीकेंड पे क्लासेस होती हैं, और ये 6 महीने तक ये चीज़ चलेगी कि आपकी हर वीकेंड पे क्लासेस होंगी जो लाइव रहेंगी, ऑनलाइन रहेंगी। अगर आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो आप इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं, बट सजेस्टेड ये है कि आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस करें। इसके अलावा यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर्स के साथ, जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ टाइम टू टाइम सेशंस होते रहेंगे। तो जब आप अपना कोर्स कर रहे होंगे आपको कुछ डाउट्स आएंगे, डाउट्स एज इन कि इस फील्ड में फर्दर क्या स्कोप है, या किसी कंपनी रिलेटेड या किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, डेटा साइंस के फील्ड से रिलेटेड, तो जब भी आपके ऐसे सेशंस होंगे आप वहाँ पे ये डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको ये जो कोर्स स्टडी है वो तो कराते ही हैं, इसके अलावा आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। यानी आपके मॉक इंटरव्यूज़ लेना, आपके सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना, आप अपना CV कैसे बनाएं, LinkedIn प्रोफाइल कैसे बनाएं,
आप इंटरव्यू में खुद को कैसे प्रेजेंट करें, ये सब इन सब चीज़ों की भी आपकी क्लासेस यहाँ पे रहेंगी। यहाँ पे आपको लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने को मिलेगा, ताकि जब भी कोई ऐसी जॉब वैकेंसी निकलती है जिसमें कोई प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस एटलीस्ट मांगते हैं तो आपके पास वो हो। जब आप एक बार जॉब में सेलेक्ट हो जाते हैं, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको कैसे पता होगा कि एक वर्क एनवायरनमेंट में या एक ऑफिस एनवायरनमेंट में कैसे खुद को कंडक्ट करते हैं, उसके लिए यहाँ पे वर्कशॉप बिहेवियर स्किल्स भी रहेंगी, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आप अगर जब भी फाइनली जॉब में जाते हैं तो आपको कैसे खुद को कंडक्ट करना है। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपका सिलेबस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कोर सिलेबस एंड इलेक्टिव्स। कोर सिलेबस यानी कि वो चीज़ें जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इलेक्टिव्स आप जितने ज़्यादा सेलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कोर सिलेबस में बात करें तो यहाँ पे आपका स्टैटिस्टिक्स, SQL, पाइथन, मशीन लर्निंग, EDA, GitHub, स्टोरी टेलिंग रहेगा। इलेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पे NLP, ETL, Azure डेटा फैक्ट्री, पावर BI एडवांस जैसी चीज़ें आपके सिलेबस का पार्ट रहेंगी। प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे ऑर्डिन स्कूल का ही खुद का एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है, जो ऑलमोस्ट 500+ कंपनीज के साथ चेक करता है कि उनमें डेटा साइंस की कौन कौन सी जॉब वैकेंसी निकली है। जब जहाँ पे जिस तरीके की वैकेंसी निकलती है, उस कैंडिडेट का जो CV है या उसकी जो प्रोफाइल है वो वहाँ फॉरवर्ड करते हैं। जिस तरीके की वैकेंसी क्रिएट होती है उसी तरीके के कैंडिडेट की प्रोफाइल फॉरवर्ड की जाती है, ताकि सिलेक्शन के चांसेस थोड़े बढ़ जाएं। फीस की बात करें तो इसकी फीस रहेगी ₹75,000 प्लस GST। इसके अलावा फर्स्ट फ्यू सीट्स को यहाँ पे अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आपको ₹10,000 तक का ऑफ मिल सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, तो अगर आप स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। क्लासेस अटेंड करने के बाद अगर विदिन 10 डेज यू फाइंड दैट द क्लासेस आर नॉट गुड, या आपको डेटा साइंस समझ में नहीं आ रहा है, या इट्स नॉट अ फील्ड फॉर यू, तो आप अपनी पूरी फीस रिफंड भी ले सकते हैं। अब आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, इसके नेक्स्ट बैचेस 30 मार्च को स्टार्ट हो रहे हैं, अभी आपके पास पूरा एक महीना है अच्छे से डिसाइड करने के लिए। इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, इसका जो ऑफिशियल लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक इस तरीके के पेज पर लैंड करेंगे। आप खुद भी सारे फीचर्स देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वेबसाइट पर गिवन है, ताकि आपको खुद एक मेंटल क्लैरिटी आए। उसके बाद अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप एनरोल करना चाहते हैं, तो शुरू में जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। तो आपको एक इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको अपना नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल के सबमिट कर देना है। एक एडमिशन काउंसलर जिसके बाद आपको कॉल करेंगे, अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं आप उनसे क्लियर कर सकते हैं। उस कॉन्वर्सेशन के बाद अगर आप फाइनली डिसाइड करते हैं कि अब आपको डेटा साइंस में एनरोल करना है, तो आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं एंड ये आपके जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।